लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पक्ष और विपक्ष में सीट बंटवारे को लेकर मथापच्ची जारी है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए 28 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया है। कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद लगभग तमाम विपक्षी दल एक मंच पर तो आ गए हैं, लेकिन कई राज्यों में उनके लिए सीट बंटवारा बेहद कठिन होने जा रहा है। मजबूत गठबंधन के निर्माण के बाद भी सभी घटक दल गठबंधन के तहत अधिक से अधिक सीट हासिल करना चाहते हैं। गौरतलब है कि कई ऐसे दल एक मंच पर साथ आए हैं जिनके बीच पहले कभी गठबंधन नहीं हुए थे। साथ ही आप जैसे कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्होंने कभी भी गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ा है। जानकारों ने इंडिया गठबंधन को लेकर आशंका जताई है कि इन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत आसान नहीं होगी। हम आपको पिछले 25 साल में हुए 5 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर बताने जा रहे हैं कि 5 प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, दिल्ली और पंजाब में वोटिंग का क्या ट्रेंड रहा है। इस गठबंधन में कौन से दल किस राज्य में मजबूत दिख रहे हैं, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर पिछले 5 चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में गिरावटें देखने को मिली है। 1999 के चुनाव में कांग्रेस को जहां 10 सीटों पर जीत मिली, वहीं 2004 में 13, 2009 में 17 सीटों पर जीत मिली। लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस को महज 2 और 1 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं हालात एनसीपी को भी देखने को मिल रहे हैं। एनसीपी के सीटों में भी साल 2009 के चुनाव के बाद से भारी गिरावट हुई है। शिवसेना को 2009 के बाद से अच्छी सफलता मिली है, लेकिन इन दोनों ही चुनावों में शिवसेना बीजेपी गठबंधन का हिस्सा रहा था। तीनों ही दलों ने मिलकर अब तक किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि एनसीपी और शिवसेना में टूट के कारण राजनीतिक हालात में काफी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बात बिहार की करें तो बिहार में अगर पिछले 5 लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड को देखा जाए तो जदयू के आंकड़े में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 1999, 2009 और 2019 में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, वहीं 2004 और 2014 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। राजद का प्रदर्शन 2004 के अलावा सभी चुनावों में अच्छा नहीं रहा है। वहीं हालात कांग्रेस के भी रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के आंकड़ों और वोट शेयर को अगर देखा जाए तो राजद सबसे बड़ी दल के तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि राजद जदयू और कांग्रेस के एक मंच पर आने के कारण काफी बदलाव हो सकते हैं। बात पंजाब की करें तो पंजाब में राजनीतिक हालात पिछले 2 चुनावों में काफी बदल गए हैं। 1999 से लेकर 2009 तक जहां कांग्रेस का मुख्य मुकाबला अकाली दल के साथ होता रहा था और कांग्रेस को अच्छी सफलता भी मिलती थी, लेकिन 2014 के चुनाव में पहली बार हिस्सा लेते हुए आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में आपको महज 1 सीट मिली और कांग्रेस ने फिर वापसी करते हुए 8 सीटों पर कब्जा कर लिया। राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं। हालांकि आंकड़ों के आधार पर माना जा रहा है कि 6 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी को 6 और 7 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि 1999, 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस को 1 भी सीटों पर जीत नहीं मिली थी। 2014 में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में 1 भी सीट दर्ज नहीं हुई। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहां 4 और 3 के आधार पर सीटों का बंटवारा हो सकता है। हालांकि विधानसभा के पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस के मतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं बात ममता बनर्जी की प्रदेश बंगाल की करें तो बंगाल में पिछले 5 चुनावों में अंतिम 3 में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 2004 में हार के बाद टीएमसी ने 2009 और 2014 में जहां 19 और 34 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं 2019 में भी उसे 22 सीटें मिली। टीएमसी का गठन कांग्रेस से अलग होकर ही हुआ था। कांग्रेस की आंकड़े हर चुनाव में अधिकतम 6 और कम से कम 2 पर रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस पिछले कुछ समय में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है। इस बार कांग्रेस की मांग 5 सीटों की है, लेकिन डेटा के आधार पर कांग्रेस को अधिकतम 4 सीटों के मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। वोट परसेंटेज और विधानसभा के आंकड़ों के आधार पर यह माना जा सकता है कि बंगाल में टीएमसी कांग्रेस की तुलना में बेहद ही मजबूत है। बाकी अभी तक बस कयास लगाई जा रही है, फाइनल फैसला क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।